अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से सातवें पारे का आगाज करते हैं। सातवें पारे का आगाज एक बहुत ही दिल पर असर अंदाज होने वाले मंजर से हो रहा है। 5 नबवी का वाकया है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हबशा में पहुंचे थे और हबशा में नजाशी ने दरबार सजाया। अहले मक्का ने अपना वफद भेजा कि जाएं और उन लोगों को वापस लेकर आएं जो हमारे जालिमाना पंजे से छूटकर चले गए हैं। उस मौके पर नजाशी ने कहा कि ये बताएं कि वो जो तुम में से नबी होने का दावा करता है वो कैसा कलाम पेश करता है। दरबार में जब हजरत जाफर ने कलाम सुनाया उस वक्त नजाशी की क्या कैफियत थी। कैफियत की हिफाजत भी जहानों के बादशाह ने की है। हम भी कुरान सुनते हैं, हमें भी अपनी कैफियत के बारे में जरूर सोचना है नजाशी के वाक्य से। आइए देखते हैं रब्बुल इज्जत ने उस वाक्य के बारे में हमें क्या बताया। وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ। اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں आंसुओं से बह रही होती हैं, इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया है। वो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए, चुनांचे हमारा नाम गवाही देने वालों के साथ लिख ले। सैयदना अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अनु कहते हैं कि यह आयत नजाशी और उनके साथियों के बारे में नाजिल हुई। वो आंसू जो पहचान के आंसू थे, मार्फत के आंसू, जब इंसान सबसे बड़ी सच्चाई को पहचान जाता है तो ना आंखों पर बस चलता है, ना जिल्दें काबू में रह जाती हैं, जिल्दें नरम पड़ जाती हैं, आंखें भीग जाती हैं। और यहाँ पे नजाशी की सूरत हाल क्या है, सूरा मरियम सुनाई गई थी, उसकी आंखें आंसू बहा रही थी और उसके साथी भी। ये कैसा दरबार है जहां दरबारियों ने हक को पहचान लिया, अल्लाह ताला की मार्फत और उसके रसूल की पहचान के बाद उसकी किताब से जो अल्लाह ताला की जानिब से वही की गई, उन्होंने खालिस अकीदे का इजहार किया, इखलास के साथ एतराफ किया। वो एतराफ जो आज भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यकूलूना रब्बना आमन्ना, ऐ हमारे रब, हम ईमान ले आए, फक्तुबना मा शाहिदीन, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले, ईमान तो हम भी लाए हैं। कभी हमने सोचा कि हमारा काम भी हक की गवाही देना है? हम इस गवाही के लिए अपने जिंदगी में क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला के यहां जब इस गवाही के बारे में पूछा जाएगा फिर क्या जवाब देंगे? मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूं अल्लाह ताला हमें इसकी समझ नसीब फरमाए। एक बात यहां जरूर कहना चाहती हूं, वो ये कि नजाशी और उसके साथियों ने
हक को पहचाना था, मिन मारफू मिनल हक, इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। सवाल ये पैदा होता है कैसे? कलाम से, कलामुल्ला से, क्योंकि उन्हें ये यकीन हो गया था कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी इंसान की बात नहीं है। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाही वमा जाना मिनल हक, और हमें क्या है कि अल्लाह ताला पर और उस हक पर ईमान न लाए जो हमारे पास आया है, जबकि हम ये हिर्स रखते हैं कि हमारा रब हमें नेक लोगों के साथ शामिल कर ले। क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला किसको नेक लोगों में शामिल करते हैं? जो ईमान ले आए सच्चे दिल से और जो हक की इत्तिबा करें, क्योंकि जब तक हक को फॉलो नहीं किया जाता अल्लाह ताला के यहां कोई नेकोकारों में शुमार नहीं होता। हक सिर्फ पढ़ लेने से नहीं आता, हक सिर्फ समझ लेने से भी अंदर नहीं उतरता, उतर सकता है पढ़ने से समझने से, जब अल्लाह ताला चाहे तब हक दिल के अंदर उतरता है। हाँ, उसी को तो हिदायत कहते हैं। इल्मे नाफे और अमले सवाले की तौफीक अल्लाह ताला की जानिब से है और इसी तौफीक का नाम हिदायत है। فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, सो अल्लाह ताला उन्हें उस बात के बदले में जो उन्होंने कहा ऐसे बागात देगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें वो हमेशा रहने वाले हैं, और ये नेक अमल करने वालों की जजा है। एक कौल इंसान को फर्श से उठा के अर्श वाले के करीब कर देता, ये एक बात है लेकिन सच्चाई पर मबनी। ये एक कौल क्या था? उनकी शख्सियत की फटन, अंदर ठहर नहीं सका, इजहार हुआ। जैसे जिन्नात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनकर गए तो खामोश नहीं रह सके, जो सुना दिल पर असर अंदाज हुआ, लफ्जों में तासीर आई, जब उन्होंने बयान किया तो उनके साथ वाले जिन्नात ईमान ले आए। तो ये तमा थी नजाशी और उसके साथियों की, और ईमान की तमा हो तो ईमान खालिस होता है, यकीन सच्चा होता है, जिसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। जब ईसाई ईमान ले आए तो अल्लाह ताला ने उन्हें सवाले लोगों में शामिल फरमा लिया, और जिन लोगों ने कुफर किया यानी अल्लाह ताला की तौहीद कार नबुव्वत का इनकार किया और हमारी आयात को झुटलाया यानी कुरान को, वही लोग दोजख वाले हैं। अल्लाह ताला की किताब को झुटलाना कोई सादा अमल नहीं है, उसकी सजा तय है। इनकार करके देख लीजिए, वो वक्त आएगा जब अल्लाह ताला का वादा पूरा होगा, उस वक्त आग को सामने देखकर कोई इनकार नहीं कर सकेगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह हम सबको आग से बचा ले, अल्लाह एक एक इंसान को आग से बचा लेना, या अल्लाह जो तेरा इनकार करते हैं इलाही उन तक भी अपना पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता करना, इलाही उन्हें भी समझना नसीब करना, इलाही तेरे इतने जहीन अफराद हैं, इलाही तेरे पैदा करदा इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, इलाही उन सबको हक कबूल करने की, हक समझने की, हक का इजहार करने की तौफीक अता फरमाना। इलाही कितने लोग हैं हमसे बहुत ज्यादा बासलाहियत, इलाही तू बासलाहियत लोगों से इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचा देना। रुकू नंबर दो है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो उन पाक चीजों को हराम न ठहराओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, और ना ही हद से बढ़ो, यकीनन अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता।
इब्न अब्बास से रिवायत है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं जिस वक्त गोश्त खाता हूँ तो औरतों के लिए हिजान पैदा हो जाता है, शहवत का गलबा हो जाता है, इसलिए मैंने अपने ऊपर गोश्त को हराम कर लिया है। उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि जो चीजें उसने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, उनमें से लजीज चीजों को अपने ऊपर हराम न करो। इस आयत के खुसूसी मुखातिबीन सहाबे कराम हैं और उमूमी तौर पर सारे अहले ईमान हैं। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, और अल्लाह ताला ने तुम्हें जो हलाल पाकीजा चीजें दी हैं उनमें से खाओ, लेकिन जौक तो पाक लोगों का होगा ना, क्योंकि जिनका जौक पाकीजा नहीं होता वो चंद दिन के लिए रुक भी जाए उनका जौक उन्हें ठहरने नहीं देता। या अल्लाह, पाकीजा चीजों का जौक अता फरमाना, और उस अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान लाने वाले हो। अल्लाह ताला ने जितनी हलाल चीजें दी हैं उनको इस्तेमाल करने की शर्त यह है कि रिज़्क हलाल और पाक हो। फिर फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी लव कस्मों पर गिरफ्त नहीं करेगा, लेकिन वो उन कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त करेगा जिन्हें तुमने पुख्ता किया होगा, चुनांचे उसका कफारा 10 मिस्कीनों को औस दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो आयाल को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाना है, या एक गुलाम आजाद करना है, चुनांचे जो ये ना पाए तो 3 दिन के रोजे रखना है। ये तुम्हारी कसमों का कफारा है जब तुम कसम खा बैठो, और अपनी कसमों की हिफाजत करो। अल्लाह ताला इस तरह अपने अहकामात तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। लफ्ज़ से मुराद है बेमानी कसमें जिसका दिल से पुख्ता इरादा नहीं किया जाता, बिला इरादा जारी होने वाले अल्फाज। ऐसी कसमों पर अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कसमों पर गिरफ्त होगी, और कसम का कफारा है जो इस आयत में बताया गया, 10 मिस्कीनों को औस दर्जे का खाना खिलाना, या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाना, या एक गुलाम आजाद करना। अगर कोई ये तीनों चीजें ना पाए तो 3 दिन तक के रोजे रखना, ये कसमों का कफारा है। कैसे रब्बुल इज्जत ने इंसानों को कमिटमेंट्स को और वायदों को पूरा करने, और जब इंसान अपने दिल से किसी चीज का पुख्ता इरादा कर ले उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ट्रेंड किया है, तरबियत दी है कि अगर दिल से इरादा किया है कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन दिल के इरादे की हिफाजत कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, बिलाशुबा शराब और जुआ और शिर्क के लिए नसब की गई चीजें और किस्मत आजमा तीर सब गंदे शैतानी काम है, चुनाचे तुम उनसे इज्तेनाब करो ताकि तुम फलाह पाओ। 4 चीजें हैं जो इस आयत में रब्बुल इज्जत ने जिन पर पाबंदी आयद की है। खमर हर वो चीज है जो अक्ल को ढांप लेती है, मैसर हर वो माल जो आसानी से हाथ आ जाए, जुआ शर्त लगाकर माल हासिल करना जुआ कहलाता है, अंसाब आस्ताने बुत वगैरह जिन जगहों पर नस्ब होते थे जहां अल्लाह ताला के मां सेवा उनकी इबादत होती है, और किस्मत आजमाती जिनसे जैसे हमारे यहाँ लोग तोता फाल लेते हैं, फालगिरी, और जिसकी वजह से मुस्तकबिल के फैसले करते हैं। अल्लाह ताला ने एक बात इरशाद फरमाई, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, गंदगी है, गंदे शैतानी काम है, फजतनिबू, लिहाजा तुम इनसे इज्तिनाब करो। लोग पूछते हैं शराब की उर्मत के बारे में कौन सी आयत है,
इससे पहले दो आयात और नाजिल हुई थी, एक में करात दिला के छोड़ दिया गया कि फीमा इस्मुन कबीर वमन नफ़ीउ लिन्नास, कि इन दोनों में गुनाह भी है और लोगों के लिए नफा भी है, वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़ीहिमा, लेकिन इन दोनों का गुनाह इनके नफे से ज्यादा है, अक्ल इंसानी पर छोड़ दिया। दूसरी बार कहा कि नमाज ना पढ़ो जबकि नशे की हालत में हो, और तीसरी दफा लोगों को जब तैयार कर चुके, ये आयत नाजिल हुई तो सैयदना उमर ने कहा इंतहीना इंतहीना, हम बाज आ गए हम बाज आ गए। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ा फिल खम्री वल मैसिर, बिला शुबा शैतान यही इरादा रखता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग्ज डाल दे और तुम्हें अल्लाह ताला की याद और नमाज से रोक दे, तो क्या तुम बाज आने वाले हो? फहलन तुम मुंतहून, क्या तुम बाज आने वाले हो? रमदान रमदान रमदान। अल्लाह ताला ने लॉजिक दी है कि शराब और जुआ दोनों ही ऐसे काम है जिसकी वजह से इंसानों के दरमियान दुश्मनी और बुग्ज पैदा हो जाता है। दो ऐसे काम है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है कि देखो भाई भाई बन के रहना है, दुश्मनी इख्तियार नहीं करनी, दिलों में भी बुग्ज नहीं रखना। ये दोनों चूंकि दुश्मनी और बुग्ज पर आमादा करते हैं इसलिए इनसे रुक जाओ। लेकिन दो और काम भी बताए कि शराब और जुआ तुम्हें अल्लाह ताला की याद और नमाज से रोक देंगे। वलज़िक्रुल्लाही अकबर, और अल्लाह ताला की याद बहुत बड़ी चीज है, और नमाज जिसका सबसे पहले हिसाब किताब होगा, दुरुस्त निकलेगी तो बाकी चीजों का हिसाब होगा, वरना हिसाब नहीं होगा। फहलन तुम मुंतहून, तो क्या तुम बाज आने वाले हो? मैं इस मौके पर जरूर आपसे कहना चाहती हूं और अरबाब इक्तदार तक भी ये बात पहुंचाना चाहती हूं, इंसानों के साथ हमदर्दी, इंसानों को नुकसान से बचाने के लिए, उनकी सेहत की हिफाजत के लिए जैसे SOPs बनाए गए और स्टेप वाइज जैसे लॉकडाउन किया गया, जैसे सेल्फ आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में और फिर हॉस्पिटल्स में, इवन ICUs वगैरह में रखा गया, और मार्केट्स बंद कर दी गई, लोग घरों में हैं, बिजनेस नहीं हो रहा, क्या आप जानते हैं शराब की 6 फैक्ट्रियां हैं बंद नहीं हुई इस दौरान? कि इंसानों की सबसे बड़ी जरूरत यही है? अल्लाह ताला की पाक किताब कहती है फहलन तुम मुंतहून, क्या तुम बाज आने वाले हो? ये शराब हर शहर में भी जाती है, बनती भी है, बिकती भी है, खरीदी भी जाती है, इस्तेमाल भी की जाती है। इस शराब को आखिर किसने जायज करार दे दिया? क्या इस पर हेल्थ के हवाले से रिसर्चेस नहीं हुई? 1964 के रीडर्स डाइजेस्ट में एक रिपोर्ट छाया हुई थी अमेरिका में, शराब नोशी पर पाबंदी आयत करने के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई गई, बड़े पैमाने पे फंड्स इसके लिए मुख्तस किए गए, लोगों को एजुकेट किया गया, लेकिन जब देखा कि किसी तरीके से लोग मानने के लिए रेडी नहीं, ना सजाएं उन्हें रोक सकी हैं, ना कोई और सूरत, तो फिर इसको खुलेआम इजाजत दे दी गई। अल्लाह ताला ने शराब से जब रोका, स्टेप वाइज रोका, हमें 3 स्टेजेस मिलती हैं जिसका अभी मैंने तज़किरा किया। फिर जब मुनादी ने निदा दी, सईद अनस कहते हैं कि मैं अबू तलहा के पास था और वो बड़ी कीमती शराब लोगों को पिला रहे थे, मैं
जाम भर भर के दे रहा था। इतने में मुनादी ने निदा दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम कर दिया, अल्लाह ताला का हुक्म आ गया है। जिसके लबों के साथ जाम लगा था उसने जाम वहीं से पीछे कर दिया। जिसके हलक से वो घूट जाने वाला था उसने वहीं से उसे बाहर फेंक दिया। मदीना की गलियों में शराब इस तरह बह रही थी जैसे शराब का सैलाब आ गया। वो यकीन करने वाले लोग थे, अल्लाह ताला को पहचानने वाले, उन्हें इस बात का यकीन था कि वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर अकाउंटेबल। हमने अपने मामलात की जवाबदेही करनी है। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले हैं तो अल्लाह के हर हुक्म को मानने वाले हैं। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शराब पीने का जो सिलसिला जारी है, और मैं बड़ी तकलीफ के साथ सबके सामने ये बात शेयर करना चाहती हूं कि हमारे स्कूल्स में बड़े पैमाने पे नशा फराहम किया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वाकई अरबाब इख्तियार को पता ना चलता हो, जबकि इस पे बहुत टीवी प्रोग्राम्स भी हुए और बहुत तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई। अगर इस पे सर्वे कराएं तो किस कदर बड़े पैमाने पे पता चलेगा कितने लोगों की अमवात नशे से होती हैं। क्या हमें नशे के बारे में कोई SOPs बनाने की जरूरत नहीं है? हमारे यहां पूरा डिपार्टमेंट काम करता है और बड़ा पावरफुल डिपार्टमेंट है। इतना पावरफुल कि बड़ों बड़ों के यानी अपनी जगह से हटाने में ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। लेकिन नशा नहीं खत्म होता सोसाइटी से, और इस बारे में किसी को इख्तलाफ नहीं है कि नशे की लानत को दूर होना चाहिए। इसके बावजूद नशे का कारोबार जारी है। लॉकडाउन में भी ये कारोबार रुका नहीं है। आखिर कुछ तो है, यूं ही बेसबब तो ये सिलसिले जारी नहीं होते। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम मिलके नशे के खिलाफ सब लोगों को अवेयरनेस दे सकें और अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को और अपने बहन भाइयों को इस नशे से बचाने की कोशिश कर सकें। अल्लाह ताला की किताब से इस हुक्म का आना इसी सिलसिले की कड़ी है। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ नसीब करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नशा लाने वाली चीज खमर यानी शराब, हर नशा लाने वाली चीज हराम है, और जो शख्स दुनिया में शराब पिएगा और इस हाल में मर गया कि शराब पीता रहा और तौबा न की तो आखरत में शराब नहीं पिएगा और जन्नत की शराब से महरूम होगा अगर जन्नत का दाखला नसीब हो गया। ये मुस्लिम की रिवायत। लोग कहते हैं कि जन्नत में भी तो शराब होगी, ऐसे लोगों के सर थोड़ी फटेंगे। नशा जब उतरता है तो सर दर्द से बुरा हाल हो जाता है और नशे की हालत में अकल मुख्तल हो जाती। जन्नत की शराब की ऐसी खसूसियत नहीं है। सईदा इब्ने उमर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने लानत की शराब पर और उसके पीने वाले पर और उसके पिलाने वाले पर और उसके बेचने वाले और उसके खरीदने वाले पर और शराब बनाने वाले पर और बनवाने वाले पर और जो शराब को किसी के पास ले जाए उस पर और जिसके पास ले जाए उस पर भी। ये अबू दाऊद की रिवायत है। वह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और अल्लाह ताला की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और उनकी नाफरमानी से बचो, फिर अगर तुमने मुंह मोड़ा तो जान लो कि बिलाशुबा हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ खोल कर पहुंचा देना है। यानी जाहिरी और बाहरी आवाज हुकूकुल्लाह हुकूक के मखलूक से मुतालिक जो भी वाजिब काम है या मुस्तहब है उसे बजा लाओ और ऐसे कामों से रुक जाओ जिससे अल्लाह ताला और उसके रसूल ने रोका है। लैसा अललजीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति जुनाहुन फीमा कानू
اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور وہ ایمان لائے پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہے اور انہوں نے نیکیاں کی اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, ان کے گلٹ میں نہ رہیں. حقیقت یہ ہے کہ اعمال میں حسن اور اندر کے شعور کے درمیان ایک رابطہ ہوتا. عمل کی ظاہری صورت پر اس کے اجر کا مدار ہے, مدار اس کی نیت پر ہے, اور نیت کا تعلق باطنی شعور سے ہے. اسی شعور کا نام تقویٰ ہے. یہاں تقویٰ سے مراد احسان اور نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. رکوع نمبر 3 ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز سے ضرور آزمائے گا کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس سے دل دیکھے کون ڈرتا ہے. پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش پر مبتلا کیا, ظاہر ہے قرآن جن لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا انہی کی عادات کے مطابق آزمائش ہونی تھی. تو مسلمانوں کو شکار سے روکا اور کامیابی کے لیے سارے مواقع دیے. اب اگر کوئی سزا کا راستہ اختیار کرنا چاہے, دردناک عذاب کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مار ڈالو, اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے تو اس کا بدلہ اس کی مانند جانور ہے جو اس نے مارا ہے. اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے. یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے, یا کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے, یا اس کے برابر روزے ہیں, تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے. جو کچھ گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اس سے معاف کر دیا, اور جس نے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا, اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے, جو تمہارے لیے اور کافلوں کے لیے سامان زندگی ہے. اور جب تک تم حالت احرام میں ہو, تم پر خشکی کا شکار حرم کر دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے, اور حرمت والے مہینوں کو بھی, اور قربانی کے جانوروں کو بھی, اور پٹا ڈالے گئے جانوروں کو بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کعبہ کی تعظیم کے قیام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دین اور دنیا قائم ہے. کعبہ کے ساتھ ہی اسلام کی تکمیل ہوئی. کعبہ کے ساتھ ہی لوگوں کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں. اس گھر کا ارادہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور احسانات ہوتے ہیں. اس کعبہ کے سبب سے مال خرچ کیے جاتے ہیں. اس کی خاطر بہت بڑے بڑے مراحل عبور کیے جاتے ہیں. اسی گھر میں مختلف رنگوں اور نسلوں کے انسان اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہیں, مدد لیتے ہیں. ان کے درمیان مختلف دینی اور دنیاوی مفادات کے سلسلے میں روابط استوار ہوتے ہیں. کعبہ تمناؤں کا مرکز ہے. جو وہاں جاتا ہے وہ بھی آنسو بہاتا ہے, اور جو وہاں سے واپس آتا ہے وہ بھی آنسو بہاتا ہے. لیکن وہ آنسو جو اب ٹھہرتے نہیں ہیں. یقیناً ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس جہان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہوتا ہے, اور یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا یہ گھر
सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए बंद पड़ा है। अगर कुछ लोग काबा में नमाज अदा भी करते हैं तो काबा की रौनकें और काबा की दुआएं और काबा में बहाए जाने वाले आंसू और काबा में अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल होने वाली बरकतें रहमतें, वो सब कुछ कैसे किन असबाब से बंद कर दिया गया। बजाहिर तो एक वबा है, लेकिन उस वबा की वजह से अल्लाह ताला की रहमत रुक गई, उसकी जानिब से आने वाली खैर बरकत को रोक दिया गया। नो डाउट कि हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़ल व तवक्कल कि आप अपनी सवारी बांध लो फिर तवक्कल करो। लेकिन बात यह है कि वहां पर भी तो उसी तरह से नमाज अदा हो सकती थी जैसे बाकी मसाजिद में। इस बारे में सब मुसलमानों को जरूर सोचना चाहिए और रमजान के महीने में इज्तिमाई तौर पर भी इनफरादी तौर पर भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की अपनी गलतियों की मुआफी जरूर मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने काबा के बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने हुरमत वाले घर काबा को लोगों के कयाम का जरिया बनाया है। नस्ल इंसानी इस काबे की वजह से फैज पाती है, मुसलमानों की इबादत की तंजीम होती है। काबा जमीन पर अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह ताला के घर में उसकी इबादत का सिलसिला किस कदर महदूद हो गया। यकीनन हम इस पर राजी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिन हालात में हमें रखा है हम उससे दुआ करते हैं वो हमें इन हालात से निकाल दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इअलमु अन्नल्लाह शदीदुल इकाबी व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, जान लो कि अल्लाह ताला यकीनन सख्त सजा देने वाला है और बिलाशुबा अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला हर मोमिन के जहन में इस हकीकत को ताजा करते हैं कि वो तुम्हें दिखाई नहीं देता लेकिन वो जिंदा है, मौजूद है, मोमिनों की निगरानी करता है, उनके अमाल का हिसाब रखता है, उनको जजा देगा और उनके अमाल की सजा भी देगा। ये शऊर इंसान को इस काबिल बनाता है कि अल्लाह ताला का सच्चा बंदा बन के रह सके। वमा अलर रसूल इल्लल बलाग, रसूल पर पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं। और अल्लाह ताला जानता है जो भी तुम जाहिर करते हो और जो भी तुम छुपाते हो। रसूल का काम पहुंचा देना, हिदायत देना रसूल की जिम्मेदारी नहीं है। आप कह दें नापाक और पाक बराबर नहीं है, और अगरचे नापाक की कसरत तुम्हें अच्छी लगे, चुनांचे अल्लाह ताला से डर जाओ ए अक्ल वालो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सईदा जाबिर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की हुरमत का जिक्र किया तो एक बद्दू खड़ा हो गया। उसने कहा मैं इसकी तिजारत करता हूं, मैंने इस पर से माल हासिल किया है, अगर मैं वो माल अल्लाह ताला की इताअत के लिए लगाऊं तो क्या वो मुझे नफा देगा। उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह पाक के सिवा कोई चीज कबूल नहीं करता। अपने रसूल की तस्दीक के लिए अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तैयिब, आप कह दे नापाक और पाक बराबर नहीं है।